Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti mantra kaisa hai? जो मन को भी शांत करता है और वातावरण में भी शांति और प्रेम के वाइब्रेशन फैला देता है। ये शब्द सुनते ही मन संसार के सभी संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाता है। एक ही शांत स्वर में स्थित हो जाते, क्योंकि आत्मा का निज धर्म और कर्म शांति और प्रेम है। तो आज हम सब दीप उत्सव मना रहे हैं। बाबा ने हमें सिखाया हमारे मस्तक में आत्मा दीपक आत्मा ज्योति जगत, वहां भी मिट्टी का दीपक होता है और ज्योति होती है। तो ये शरीर भी तो मिट्टी है, पांच तत्वों का बना हुआ, और इसमें चमकती ज्योति का महत्व है। वहां भी ध्यान ज्योति पे ही जाता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे हर एक के मस्तक पर चमकती ज्योति, चमकते दीपक को देखना। हम लकी सितारे हैं जो भगवान ने हमें अपना बनाया। संसार का सर्वश्रेष्ठ भाग्य ये संगम युग, जब हम कलयुगी दुनिया से किनारे हो जाते हैं और एक बाबा की छत्र छाया के नीचे आ जाते हैं, तो सभी उलझनों से मुक्त हैं। फिर से कहते हैं, बाबा तू मेरा, मैं तेरा। आज भी बाबा ने कहा, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा। दूसरा, तन मन और धन हम बाबा के अर्पण कर देते, तो ये समर्पण का भी उम्मीद है। शिव शक्तियों को बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। ये यादगार ये त्योहार जो 5 दिन चलता है, इसकी आज से शुरुआत होती है। धन लक्ष्मी, धनतेरस लक्ष्मी का धन लक्ष्मी के रूप में आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं। इस दिन हर एक के दिल में होता है कि हमारे घर में धन लक्ष्मी विराजे, कुछ ना कुछ लाते हैं। परंतु बाबा ने कहा, ज्ञान रत्नों से भरपूर आत्मा ही सच्ची सच्ची धनवान है। ये ज्ञान रत्नों का ऐसा धन है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। हम देते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। आज भी बाबा ने कहा, देना है। और क्या देना है? बाबा का दिया हुआ ज्ञान।
अनेक आत्माओं को मैसेज देना, अनेकों का कल्याण करना। क्योंकि मुरलीधर बाबा के बच्चे हम भी मुरलीधर, ये कितनी वंडरफुल बात है कि भगवान हमें हर बात में आप समान बना देता। बाबा कहते आप ही मास्टर मुरलीधर है, तो संपूर्ण ज्ञान खजाना देके भरपूर कर देता है। और इतना भरपूर कर देता है जो स्थूल धन की भी 21 जन्म कोई कमी नहीं रहती। तो तंदुरुस्ती, संपत्ति, सौभाग्य, इस सभी चीजों का यादगार बनाया जाता है। और ये सब चीज जीवन में होती है तो राम का राज्य आ ही जाता है। तो बाबा कहता है हर एक बाबा का बच्चा लक्ष्मी या नारायण का स्वर जो सर्व गुण और शक्तियां अपने में भरे। जब सर्व गुण और सर्व शक्तियां हमारे जीवन में आती है ना, तो हमारा जीवन देवता या देवी समान बन जाता है। और देवी है देने वाली, देवता है देने वाला, ना कि लेने वाला। लेना तो सिर्फ बाबा से है, बाबा बहुत भरपूर करता है, बाकी सभी को देते रहना। मुख से ज्ञान रत्नों का दान, वरदान नैनों से स्नेह मयी रूहानी दृष्टि, कर्म में कर्म योगी बन करके अपने कर्म से सिखाना। तो एक एक बाबा का बच्चा चलता फिरता बाबा का साक्षात्कार कराने वाला देव स्वरूप के लाये। तो ऐसी सुंदर दीवार क्योंकि बाबा का ब्राह्मण परिवार, बाबा का गुलदस्ता, आप सभी को हम चलते हुए दीपक दीपराज की दीपराणियां लेकर आए। तो आप सभी के घर में खुशहाली, संपत्ति और शांति की बरसात होती रहे, प्रेम की बरसात होती रहे, ऐसी स्नेह भरी, प्यार भरी दुआ।